लिखो इफ एफ वन, सुनो पहले, इफ एफ वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू एंड एफ टू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन, समय लग गया, एफ वन क्या है फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू एंड एफ टू इज फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन, देन विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, एफ वन इक्वल टू एफ टू, एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू जीरो, एफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ टू एंड एफ वन इक्वल टू माइनस एफ, ए ऑप्शन, एनी अदर आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, एफ वन इज माइनस एफ टू बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट वन चार्ज एक्सर्ट्स ऑन द फर्स्ट एंड फर्स्ट एक्सर्ट्स ऑन द सेकेंड दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है, दिस इलेक्ट्रो कूलम्स लॉ इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो माइनस भी आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, एफ वन इज माइनस एफ टू. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर अ लाइन ऑफ चार्ज, फॉर अ लाइन चार्ज, आपने गॉसेस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन की है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की करेक्ट वेरिएशन कौन सा ग्राफ बता रहा है, द ऑप्शंस आर चलिए विच ग्राफ विल बी करेक्ट, पहले फॉर्मूला बताओगे गॉसेस थ्योरम फर्स्ट एप्लीकेशन क्या फॉर्मूला है ड्यू टू लाइन चार्ज, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पहले तो ये फॉर्मूला, तो यहां से यू गेट टू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो डिक्रीजिंग होना चाहिए और सारे ही डिक्रीजिंग है तो फिर कौन सा होगा करेक्ट, क्या बी ऑप्शन, ये होलोस्फेरिकल शेल का नहीं, होलोस्फेरिकल शेल का ग्राफ है ना जिसमें यहां पे मैक्सिमम होता है आर इक्वल टू आर पे सरफेस पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है फॉर आर लेस देन आर और फॉर आर ग्रेटर देन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये तो वो वाला ग्राफ है ना होलोस्फेरिकल शेल का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हो नहीं सकती, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये टच करे इसको ये भी नहीं हो सकता, इट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट है यहाँ, है ना, तो फिर ये वाला ग्राफ है, दिस इज द पॉसिबल ग्राफ, सो आंसर इज दिस फर्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेम द फिनोमिनन इंडिकेटेड बाय दिस ग्राफ, नेम द फिनोमिनन इंडिकेटेड बाय दिस ग्राफ, चलिए टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ है ये, सो विच फिनोमिनन इज शोन बाय दिस ग्राफ, क्या लग रहा है आपको, ये कितना टेम्परेचर है 4 पॉइंट समथिंग केल्विन, उसके लिए ये रेजिस्टेंस कितना है जीरो है, तो 4.2 केल्विन पे किसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, यस एनी वन, 4.2 केल्विन पे किसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, सुपर कंडक्टर, हाँ मरकरी, वेरी गुड, मरकरी बिकम्स अ सुपर कंडक्टर एट 4.2 केल्विन, समझदार को इशारा ही काफी होता है,
4.2 केल्विन पे रेजिस्टेंस जीरो है, सुपर कंडक्टिविटी. विच फिनोमिनन इज बीइंग एग्जिबिटेड बाय दिस ग्राफ? सुपर कंडक्टिविटी. एंड दिस इज फॉर मर्करी. मर्करी बिकम्स अ सुपर कंडक्टर एट 4.2 केल्विन. Next is a rectangular coil having 100 turns of length 40 centimeter and breadth 20 centimeter carrying a current of 10 ampere is placed in a magnetic field of 5 tesla. If it makes an angle of 60 degree with B, then torque produced in the coil is. रेक्टेंगुलर कॉयल है, दिस इज द डेटा फॉर रेक्टेंगुलर कॉयल हैविंग 100 टर्न्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ब्रेथ 20 सेंटीमीटर कैरिंग 10 एम्पियर करंट. इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला. इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद बी देन टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल इज हाउ मच. विच फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल? एम बी साइन थीटा. और थोड़ा सा सिंपल कर दो उसको. मैम बी आई एन बीना साइन थीटा डायरेक्ट लग जाएगा, है ना? ये देखो बी आई, ये एन, ये एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से एरिया आ जाएगा, बीना साइन थीटा. चलो करो सॉल्व इसको. Options are 298.26 Newton meter, 524.26 Newton meter, 346.41 Newton meter, 892.26 Newton meter. These are four options. तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ऑर्डर का आपको फटाफट. अगर थ्री आया टू आया पता लग जाएगा कौन सा, ठीक है, क्योंकि सारे डिफरेंट है. तो बिना साइन 60 डिग्री, साइन 60 इज रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री इज 1.732, ठीक है. तो ये आपका आंसर होगा. चेक आउट, इसको आप चेक कर लेना बाद में, ठीक है. चलो ओरल क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ऐसे ही इसका आंसर याद होगा. ये हो जाएगा सॉल्व. When the horizontal component of Earth's magnetic field is equal to its vertical component, then the angle of dip is 0, 60 degree, 45 degree, 90 degree. Forty-five degree, yes. When the horizontal component of Earth's magnetic field is equal to vertical component, what is the angle of dip? Tan delta is V over H. So when V is equal to H, tan delta is 1. Tan delta is 1 when delta is 45 degrees. ठीक है, when delta is 45 degree, then tan delta is 1. ठीक है, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन तो टिप्स पे आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, क्या है आंसर? 6.25 × 10⁻¹⁸. What is the number of lines, number of electric lines originating from 1 coulomb of charge? 1.13 × 10⁻¹ⁱ. ठीक है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आपको अब टिप्स पे होने चाहिए. What is the capacitance of earth? 711 microfarad. What is the capacitance of earth as a spherical isolated conductor? 711 microfarad. ठीक है, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी? पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 311 वोल्ट. पीक वैल्यू ऑफ डीसी 220 वोल्ट. पीक वैल्यू डीसी की कम है, 220 कांस्टेंट ही रहती है वो, बट जो एसी है वो हाईएस्ट 311 वोल्ट तक जा सकती है. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. ये तो वैसे ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है कि किस एंगल पे बी और एच सेम होते हैं, वो 45 डिग्री होता है.
right? Next question, find equivalent capacitance between A and B. Each capacitor is of 4 microfarad. अब ये मैंने नहीं बताना, ये आप ही बताओगे मुझे. What is the answer? Options are 1 A, ऐसे कैसे? Can you explain? फिर तुक्का मारा? इसमें थोड़ा numerical में थोड़ी तुक्का लगेगा. हाँ जी समृद्धि, हाँ आपका क्या है? A, A आया. क्रिश की वेट कर लेते हैं, आप बताओ. क्रिश क्या आंसर है? हाँ चलो बताओ. हाँ तो कितना है, कहाँ साल की? टेन बाय थ्री नहीं बनता हमसे. ये देखो ये दोनों सीरीज में है, 4 और 4 का 2 हो गया, 2 और 4 पैरेलल में, ठीक है. हाँ 6 हो गया, ठीक है. हाँ और वो भी पैरेलल में, ठीक है 8 हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. 2 सर्कुलर कॉयल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ थ्री सिचुएशंस shown. Two circular coils can be arranged in any of three situations shown in figure. Their mutual inductance will be, एक मिनट, ये है first, second, third. Their mutual inductance will be A part maximum in situation 1, B maximum in situation 2, maximum in situation 3, same in all the situations. किसमें आएगी मैक्सिमम? 1 में. क्यों क्यों आएगी मैक्सिमम? हाँ क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ 1 कॉइल विल पास थ्रू द सेकेंड कॉइल, ठीक है. ये तो परपेंडिकुलर पोजीशन में, इसमें उतनी लाइंस नहीं आएंगी, इसमें तो बहुत ही कम इसमें एंटर करेंगी. इसमें जीएस के ऊपर है, दोनों प्लेन में है, तो जितनी लाइंस है वो उसके साथ भी लिंक हो जाएंगी. सो इन सिचुएशन नंबर 1, क्रिश यू गॉट इट? सो म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट डिपेंड्स अपॉन दिस एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द अदर. नेक्स्ट लिखिए, इन एन एसी सर्किट
an alternating voltage of this much volt is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad. What is RMS value of current in the circuit? Options are 100 milliampere, 200 milliampere, 20 milliampere, 10 milliampere. चलिए, E is equal to E naught sin omega t. ये आपको E naught की वैल्यू है आपके पास. This is the value of E naught. तो ये AC circuit containing capacitance only है, क्योंकि उन्होंने बताया कि AC source जो है capacitor के साथ connected है. So this is AC circuit containing capacitance only. चलिए, however E naught आपको maximum peak value दी हुई है 200√2 volt. ठीक है, तो यहां से आप करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो. I naught is E naught over XC. AC circuit containing capacitance only में resistance क्या होता है? Capacitive reactance होता है. क्रिश, आप बताओगे XC क्या है? What is XC here? XC को क्या कहते हैं? सिर्फ नेम बताओ पहले. What's the name? देखो, नेम ही नहीं पता अभी हमें. वरुण क्या कहते हैं XC का नाम? हाँ जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मयंक, 1/ωc. XC इज 1/ωc. ओमेगा इज 2π μ. तो ये XC निकाल के आपको I नॉट मिल जाएगा. फिर उसके बाद IRMS या IV क्या होगा? I नॉट √2. Divided by root 2. तो पहले XC निकालना पड़ेगा. Is that okay? चलिए आंसर निकालिए कितना आ रहा है. ऑप्शन दी हुई है यहां पर, हरी अप सॉल्व दिस. तो पहले तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में ही कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा ना. चलो बस इसको सॉल्व भी करना है, कर लो. चलिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन अ बार मैग्नेट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस? नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? क्रिश, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी इन अ बार मैग्नेट? नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? साउथ टू नॉर्थ. यस, सिंबल क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का? एम. एम इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल एम इंटू 2L. ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ. एम इंटू 2L, ये होती है हमारी डायपोल मोमेंट. एक और फॉर्मूला है इसका, एन आई ए. वन मोर फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट इज देयर, जिसको हमने एटम एज अ डायपोल में भी यूज किया. एम इज इक्वल टू आई ए, वी हैड यूज दिस फॉर्मूला देयर ऑल्सो. ठीक है, तो ये है डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट?
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इंटू टू ए, और इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल. राइट, यूनिट बताओ दोनों के. What is the unit of electric dipole moment and magnetic dipole moment? हाँ, इसका कूलम मीटर, और इसका क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर यहां से आ जाएगा, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर. सो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. उसको यूज करके हम पोल स्ट्रेंथ का यूनिट निकाल लेते हैं. ठीक है, फर्दर इसको यहाँ पुट करके हम पोल स्ट्रेंथ का यूनिट निकाल लेते हैं. सो बोथ हैव डायरेक्शंस, इसका मतलब बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? कौन बताएगा? K is equal to 1 plus X. हाँ, X नहीं है वो, K equal to 1 plus chi. This is the relation between dielectric constant K and electric susceptibility. What is the other name for dielectric constant? Capital K. इसको और क्या कहते हैं? What is the other name of dielectric constant capital K? Relative permittivity. Relative permittivity. Epsilon R. एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, एयर के लिए जो वन होता है, वाटर के लिए जो 81 होता है, पता है ना आपको. सो हाई वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेक्स वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन था आपको पेपर में, तो उसका करेक्ट रीजन था. ठीक है, सो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. ओके, एंड इट हैज नो यूनिट. अब उसके बाद आपका आ जाता है कि स्मॉल के क्या है, व्हाट इज स्मॉल के. कैपिटल के इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज स्मॉल के? कूलम्स कांस्टेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल के, जो हर एक में यूज करते रहे हैं हम, स्मॉल के की वैल्यू क्या है जो हम 9 to 10 to 9 के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल के लिए के क्यू बाय आर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए के क्यू वन क्यू टू बाय आर. ये के क्या है यहाँ पे, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू फॉर्मूला. हाँ अभी तुषार बता रहा था. यस तुषार, क्या वैल्यू? 9 to 10 to 9. नाइन इंटू 9, वैसे फॉर्मूला है इसका 1/4πε0, यू नो दैट. तो इस ये जो पेपर था प्री बोर्ड का, उसमें K का डायमेंशन पूछा गया था और दूसरे सेट में एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी का. तो जो K का है उससे बिल्कुल रिवर्स है आपका एप्सिलॉन नॉट का, आ जाता है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसको इन्वर्ट कर देते हैं तो आपका एप्सिलॉन नॉट का की डायमेंशन आ जाता है. ठीक है, हर चीज आनी चाहिए बच्चे आपको. तो ये कूलम्स कांस्टेंट है, कैपिटल के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ऑल राइट, अच्छा इसका के का यूनिट क्या था? आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट याद होगा, नाइन्थ में किया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो ये जो के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, टेंथ में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बस इसी को यूज करके आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते, और एप्सिलॉन की इसका ऑपोजिट हो जाती है, बिल्कुल 1/1 कर देते. ठीक है, क्लियर? ये सारे बेसिक्स अच्छी तरह से कर लो. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल? व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल? जीरो. ठीक है, क्वाड्रुपोल क्या होता है? फोर चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ठीक है, ये क्वाड्रुपोल है.
ठीक है, ये भी क्वाड्रुपोल है और ये भी क्वाड्रुपोल, ठीक है, बोथ आर क्वाड्रुपोल्स। इसकी क्वाड्रुपोल मूवमेंट क्या होती है, चार्ज इंटू टू ए स्क्वायर। डायपोल मूवमेंट है q इंटू टू ए, ये है q इंटू टू ए स्क्वायर, क्वाड्रुपोल मूवमेंट। अच्छा अब आप बताओ, मैं आई हैड जस्ट रिटन फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर क्वांटिटीज आई हैड रिटन। कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है इनमें से, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है आउट ऑफ दीज, पोटेंशियल स्केलर। हाँ जी क्या, पोटेंशियल स्केलर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर, वेक्टर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स स्केलर, ठीक है। तो पहली दो वेक्टर्स हैं और लास्ट टू जो हैं वो स्केलर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट आर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, पहली तो ये, दे डायरेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ मतलब चार्ज कौन सा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव के रेडियली इनवर्ड। And electric field inside a conductor is zero. That means no electric line passes through the interior of hollow conductor. ठीक है? Electric field zero से related कोई property बता सकते हो conductor? Electric field zero से related there is one important property of conductors. What do we call it? उसको हम कहते हैं Faraday cages, electrostatic screening. Hollow conductors where inside the electric field is zero, they are used to save the delicate instruments from external unwanted fields. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, electrostatic screening और electrostatic shielding. और such hollow conductors are called Faraday cages. For example, car. अगर lightning thunderstorm में tree से अच्छा है कि हम car में बैठ जाएं, क्योंकि metal body of car will act like a hollow conductor.